दोस्तों, कई तरह के फैशनेबल और अतरंगी कपड़े पहनने वाली अभिनेत्री उर्फी जावेद अक्सर ही किसी न किसी वजह से चर्चाओं में बनी रहती हैं। जी हां, बता दें, इन दिनों चारों ओर उनकी बोल्डनेस के ही चर्चाएं होती रहती हैं। जी हां, आए दिन नए नए तरह के अतरंगी और बोल्डनेस ड्रेसेस को कैरी करके सभी से तारीफें सुनती रहती हैं। हालांकि कई बार इन्हें ट्रोलिंग भी किया जाता है और आज उर्फी ने एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है जिसे इतनी कम उम्र में बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। वहीं बता दें, उर्फी जावेद ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में बताया कि बचपन में उनके पिता ने उनके साथ कितना गलत किया था। पर उससे पहले आपको बता दें कि उर्फी जावेद लखनऊ की रहने वाली थी और अभी हाल ही में उर्फी जावेद ने ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे के नाम से मशहूर इंस्टाग्राम पेज पर उर्फी जावेद ने अपने बचपन की कठिनाइयों का जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने महज 15 साल की उम्र में ही घर से, और उनकी मम्मी की उम्र काफी छोटी थी। बता दें, उर्फी और इनके चार और जो भाई बहन थे उन्हें भी इनके पिता इनके साथ साथ खूब मारते पीटते थे, जब तक कि वो लोग बेहोश नहीं हो जाते थे। और साथ ही उर्फी ने कहा, इस तरह से मैं अपने पिता से परेशान होकर 15 साल की उम्र में ही घर से भाग गई थी, जहां पर मैंने कई दिनों तक कॉल सेंटर में काम किया, ट्यूशन पढ़ाकर अपना गुजारा किया। यहाँ तक कि कई दिन तक मैं अपने दोस्तों के घर रही, फिर मुंबई में जाकर डेली सॉप में छोटे मोटे रोल में काम किया। पर मुझे असली पहचान बिग बॉस के घर में जाने के बाद मिली। भले ही उसमें मैं एक हफ्ते के लिए ही नजर आई, पर मुझे बिग बॉस के घर से निकलने के बाद कई सारे काम के ऑफर आने लगे। हालांकि अभी भी मुझे ट्रॉलिंग किया जाता है। मुझे अपनी तरंगी ड्रेसेस को लेकर बुरा भी लगता है कि मैं गलत हूँ, मैं यंग जनरेशन लिए सही नहीं हूं। पर उर्फी जावेद ने अपनी और अपनी फैमिली की जो ये दर्दनाक कहानी सुनाई है, उसे सुनने के बाद सभी हैरान हो गए हैं। वेल दोस्तों, आप अभिनेत्री उर्फी जावेद से जुड़ी इस खबर के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाग गई थी और ऐसा उन्होंने कदम इसलिए उठाया क्योंकि उर्फी का कहना है कि उनके पिता उन्हें बहुत ज्यादा मारते पीटते थे। कई बार तो वो पिटाई से बेहोश हो जाती थी और इनके रिलेटिव्स भी इनकी इज्जत नहीं करते थे और हमेशा इन्हीं के खिलाफ होते थे। वहीं उर्फी ने अपने उन दिनों को याद करते हुए बताया कि मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मेरे पिता मुझे बहुत मारते पीटते थे, कई बार तो मैं बेहोश हो जाती थी। इसी के साथ बता दें, उर्फी जावेद के पिता ने बहुत ही कम उम्र की लड़की से शादी की।